संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो आपको आप इधर भेज सकते हैं y बराबर x 180 माइनस x। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि x का पूरक x का पूरक कोण 1। x का संपूरक कोण 1। तो x का संपूरक कोण y बराबर 180 माइनस x। देखिए यहाँ x है तो 180 माइनस x हो गया, संपूरक में 180 में घटाना है। उसी प्रकार से यदि कोई पूछे 120 का संपूरक कोण तो 180 माइनस 120। 180 माइनस 120 घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 60 डिग्री। तो 120 का संपूरक कोण के डिग्री हो जाएगा भाग 60 डिग्री। जैसे क्वेश्चन पर पूछे इस तरह से 150 डिग्री का संपूरक कोण निकालें। तो लिखेंगे कि 180 माइनस 150 तो 30 डिग्री। 150 का संपूरक कोण के डिग्री 30 डिग्री। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दे देते हैं 140 डिग्री का संपूरक कोण तो 180 माइनस 140 तो घटाइए के डिग्री 40। इस प्रकार से आपका कुछ पुनः आते हैं यहाँ से कि संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। x प्लस वाई बराबर 180 प्लस तो माइनस 180 माइनस x। तो x का संपूरक कोण 1। तो x का संपूरक कोण तो देखिए आप y बराबर क्या लाएं 180 माइनस x यहाँ दे दिए 180 माइनस x। 120 का संपूरक कोण तो 180 में घटाइए 180 माइनस 120 तो 60 डिग्री हो जाता है। 150 डिग्री का संपूरक कोण निकालें तो 180 माइनस 150 तो क्या डिग्री 30 डिग्री। 150 डिग्री 150 का संपूरक कोण 30 डिग्री। 140 का संपूरक कोण 180 माइनस 40 तो क्या डिग्री 40 डिग्री। इस तरह से आपको उतार लीजिए। देखो 105 डिग्री 62 डिग्री 6 डिग्री 127 डिग्री का संपूरक कोण निकालें। तो पहले चलना है यहाँ से आपको कि 105 डिग्री का संपूरक कोण तो 180 में घटाना है तो 180 माइनस 105 घटाइए 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा 75 डिग्री। तो लिखेंगे 105 का संपूरक कोण 75 डिग्री होता है। उसी प्रकार से पहला हुआ, दूसरा 62 डिग्री का संपूरक कोण
180 माइनस 62 तो घटाइए 10 में से 2 गया 8 हो गया, यहां 7 बचा, 7 में 6 गया 1 हो गया, यहां 1 हो गया 118 भी। यहां इस प्रकार से लिखिए 62 का सम पूरक कोण 108 डिग्री। तीसरा है कि 6 डिग्री का संपूरक कोण 180 माइनस 6 तो 4 हो जाएगा 174 डिग्री। इसी प्रकार से आप क्या है इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आपका, एक क्वेश्चन है कि 1 की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है, ये गुना है 3 गुना। तो माना कि कोण x डिग्री, x का संपूरक कोण 180 माइनस x, कह रहा उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना। तो x बराबर 180 माइनस x, ये 3 गुना। यदि 10 साल के 30 साल ये मान लिया जाए आपको 2 साल के थी के साल के 6 साल के, तो बराबर करने के लिए 3 कने गुना कीजिएगा, ई साइड करेंगे ई 3 गुना। उसी प्रकार से x तो आ जाएगा कितना 540 माइनस 3x माइनस तो प्लस 4x गुना तो भाग, 4 से काट किया जाएगा एक बार में, फिर आ जाएगा 14 तो कट किया 12 520 x बराबर 135 डिग्री। तो उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है, तो माना कि कोण x डिग्री, x का संपूरक कोण 180 माइनस x, x कहता है 3 गुना, तो 3 इधर गुना करेंगे 540 और 3x माइनस तो प्लस 4x 540 गुना तो भागा x बराबर 135 डिग्री। जी सर, कैमरा को बना रहे हैं सर। हाँ एक आगे चित्र दिया हुआ है, दिए गए चित्र में x का मान निकालें। चित्र देखिए आपका इस प्रकार से, इकहत्तर डिग्री और x,
यहाँ ए है, वो है, बी है और सी। इसमें बोल रहा है दिए गए चित्र में एक्स का मान निकाल। तो ये एक ज्यामिति रूल अभिगृत है सरलरैखिक युग्म के अभिगृत। बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री। बने जब दो कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ होता है ने, उसको हम आसन कोण कहते हैं। जब दो कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसको हम आसन कोण कहते हैं। तो इस यहाँ लिखाएगा परमान में डायरेक्ट चल सकते हैं कि सरल रैखिक युग्म के अभिगृत से बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। देखिए सेवन क्लास का ज्यामिति यही बेसिक चीज होता है। तो x प्लस 71 बराबर 180 डिग्री प्लस तो माइनस 180 में 71 को घटाना है तो 901 109 डिग्री। x का मान कितना निकल गया 109 डिग्री। उसी प्रकार यदि आकृति इस अनुसार भी दे सकता है आपको। एक एग्जांपल समझिए, ये 5x हो कि 2x हो आई 3x, ए ओ बी सी डी। तो दिए गए आकृति में x का मान निकालना है। आपको आकृति दिया हुआ है इस तरह से, तो यहाँ x का आप क्या कीजिए मान। तो पुनः लिखाएगा इसी तरह से डायरेक्ट प्रमाण चलते हैं कि सरल रैखिक युग्म के अभिघृत से बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 5x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। मैंने यह तीनों का आप जोड़ दीजिए तो 5 × 2 = 7 = 10 180 गुना तो भागा 180/10 इसे ही कटा तो x बराबर 18 डिग्री हो गया। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। यह भारतीय भवन में दिया हुआ है सुगम गणित 7 क्लास में। देखिए यहाँ दिया हुआ है एक क्वेश्चन, आप बगल के चित्र में भी लिख सकते हैं। आप बगल के चित्र में x का मान निकाल। ए ओ बी सी डी। यहाँ है आपको 63 डिग्री, एक्स 71 डिग्री। इस तरह से यहाँ देखिए 63 एक्स 71 है ना। तो पुनः चलेंगे परमाण से इस सरल रैखिक युग्म के अभिगृत से
बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सरल रैखिक युग्म के अभिघृत से बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री तो 63 प्लस एक्स प्लस 71 बराबर 180 डिग्री। एक्स लिखिए और जोड़िए 134 आएगा 180 प्लस तो माइनस छियालीस डिग्री। एक्स का मान कितना आ गया 46। आपको इस प्रकार से पुनः फिर समझा देता हूं एक बार। दिए गए चित्र में एक्स का मान निकाले है ना, यह बेसिक चीज है। किसी भी ऑब्जेक्टिव में चाहे कहूं भी आप कोई पूछ सकता है, कंपटीशन हो या कुछ को कहूं भी पूछ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ज्यामिति का ये सब थोड़ा सा बेसिक। सरल रैखिक युग्म के अभिघृत से बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 71 बराबर 180 डिग्री प्लस तो माइनस 180 में 71 गया तो 109 डिग्री। x का मान 109 आ गया। अगला आकृति है आपको इस प्रकार से प्रमाण। सरल रैखिक युग्म के अभिघृत से बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री तो 5x 2x 3x बराबर 180 डिग्री। तो 3 दो 5 है 5 5 10 10x 180 गुणा तो भागा इसे ही कट जाएगा x बराबर 18 डिग्री। उसी प्रकार से बगल के चित्र में x का मान निकालें। तो इस तरह से दिया हुआ है तो सरल रैखिक युग्म के अभिघृत से बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री। समझिए सूत्र हो गया आपका। तो 63 एक्स प्लस 71 180 तो एक्स 63 71 134 180 प्लस तो माइनस 46 इसको आप उतार दीजिए। अब देखिए आगे की ओर। अब इस तरह से है एक आकृति है, क्वेश्चन है कि बगल के चित्र में एक्स का मान निकाले। इस प्रकार से है आपका आकृति। इस तरह से है आपका है 98 डिग्री एक्स है 73 है 50 इसमें एक्स का मान निकालना है आपका। ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी यहाँ आप वो दे दीजिए। तो ऐसा आकृति में आप एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है क्योंकि यहाँ बिंदु है। इसमें यह सूत्र चलेगा प्रमाण में
कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यह चलिए एक्स प्लस 73 प्लस 50 प्लस 98 बराबर 360 डिग्री। अब इसको आप जोड़िए, 8 हो जाएगा, 2 9 14 7 कितना हो जाएगा सब कुछ? 8 इधर आ जाएगा 10 17 और 5 17 और 5 3 20 22 221 मिला ली। 8 3 11 ठीक है, 9 21 10 5 15 7 ठीक है बराबर 360 प्लस तो माइनस एक्स बराबर 360 221 हो जाएगा। यहाँ 5 बचा 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ 3 में 2 गया 1 मैंने एक्स का मान आ गया 139। इस तरह का आकृति दिया रहेगा तो हम लोग चलेंगे कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। यह बराबर 360 इसको जोड़ के 221 प्लस तो माइनस घटा का आ जाएगा 139 एक्स बराबर 139 ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए आपको क्वेश्चन में है इस तरह से भी आकृति आपका है कि चित्र में दिया हुआ है चित्र के अनुसार एक्स का मान निकाले इस तरह से एक्स माइनस 2 112 और 2x-2 इस तरह से आकृति है। आप इसमें एक्स का आराम से मान निकाल सकते हैं। यहाँ ए ओ बी सी और डी सरल रैखिक युग्म से चलेंगे इस स्थिति में कि परिमाण सरल रैखिक युग्म के अभिघृत से बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। तो एक्स माइनस 2 प्लस 112 प्लस 2x-2 बराबर 180 डिग्री। तो पहले एक्स एक्स के साथ जोड़िए है ना, चलिए बोलिए उठाइए एक्स एक्स के साथ जोड़िए तो 2x और x तो क्या हो जाएगा 3x और प्लस 112 और माइनस 2 और माइनस 2 तो माइनस 4 माइनस माइनस के साथ जुड़ जाता है बराबर 180। 3x प्लस
112 में 4 घटाएंगे तो 108 आएगा बराबर 180 प्लस तो माइनस 3x बराबर 180 आई 108 3x 180 में 108 घटाना है तो 10 में 8 भी आपका 2 हो गया यहां 7 बचा 72 गुना तो भाग तो 72 बटा 3 इसको आप काट दीजिए 26 बार में कटेगा आई एक्स बराबर यहाँ लिख देते हैं एक्स बराबर 26 एक्स का मान निकल 26 बार में तो क्या करना है 3 गुना 6 एक्स का ठीक है नहीं नहीं छुट्टी यार खारे हो जाता है तो 64 जैसे 3 गुना 64 हाँ 3 गुना 6 हुआ 12 हुआ 24 बार ठीक एक्स बराबर कितना हो जाएगा 24 हाँ सही बात 24 किया बहत्तर ठीक है 24 हो गया चलो फिर से एक बार समझ लीजिए कि दिए गए चित्र में एक्स का क्या निकाले मान निकाले एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो एक्स प्लस 73 प्लस 50 98 जोड़ के 360 इस सभी जोड़ के 221 आ गया प्लस तो माइनस 149 एक्स बराबर 149 दूसरा क्वेश्चन है चित्र के अनुसार एक्स का मान निकाले परमाण सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से बड़े आसन कोणों का योग 180 डिग्री मिला लीजिए अच्छा से एक्स माइनस 2 प्लस 112 2x माइनस 2 बराबर 180 तो एक्स एक्स के साथ जोड़िए 2x जोड़ एक्स नहीं कुछ तो एक रहता 2x जोड़ एक्स तो 3x होता है प्लस 112 और माइनस 2 माइनस 2 तो माइनस 4 बराबर 180 अब इसमें 112 में माइनस 4 घटा देंगे 108 आ जाएगा प्लस तो माइनस 180 में 108 घटाएंगे तो कितना आता है 72 गुना तो भागा तो के बार में कट जाएगा 24 बार x बराबर 24 है ना इसको आप थोड़ा उतार दूसरा क्वेश्चन आगे चल दीजिए इस पे घंटा दो विद्या वाला सेव के फुटबॉल ऑनलाइन से कर करवा क्या चीज विद्या वाला मोबाइल बस में अगला क्वेश्चन है आप ध्यान दीजिएगा आप अच्छा अच्छा क्वेश्चन चल रहा है ध्यान दीजिएगा हेलो किसी कौन के पूरा कौन तथा संपूरक कोण का अनुपात 2:5 है तो कोण ज्ञात करें कौन ज्ञात करें तो माना कि
कोण x तो x का पहले पूरा कोण लिखिए 90 माइनस x और x का संपूरक कोण 180 माइनस x दोनों का अनुपात दिया हुआ है 2:5 तो 2:5 है दिया हुआ तो अनुपात मैंने बटा कर तो 90 माइनस x बटा 180 माइनस x बराबर 2:5 अनुपात क्या होता है एसयूएम तिरछा तिरछी गुना तो 90 × 5 = 450 फाइव एक्स 360 माइनस 2x माइनस 5x माइनस तो प्लस 360 प्लस तो माइनस माइनस 3x क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है जिसके लिए जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह पड़ता है ना यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस 5x में 2x जाएगा तो माइनस 3x होगा यहाँ माइनस का चिन्ह क्या है बड़ा है